दंत मंजन, तू टोनी को पहचानता है क्या? टोनी, खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो। ए सड़ेले, कहाँ जा रहा बे? जो उसके बारे में पूछेगा वो पागल ही होगा। ए रुक, टोनी बहुत अच्छा आदमी है लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है। उसे तो मैं दबोच के ही रहूंगा। वो सटके खोपड़ी है, क्या करेगा उसी को मारूं। ऐसा क्या? 10,000 टिप समझ के रख ले। जब काम खत्म होने पर पैसे ना मिले तो लोग बहुत धुलाई करते हैं, पर ये तो उनकी आरती उतारता है। ऐसा? अरे मेरे पैसे जला दिए, पूरे $1,00,000 थे। तूने मुझे मेरे 20,000 रुपए क्यों नहीं दिए? अरे इसी में से क्यों नहीं लिए? मुझे जो 20,000 चाहिए वो इसमें नहीं है बुड्ढे। कहाँ है मेरे पैसे? इसकी तो मैं हर कोई अलग पहचान बता रहा है, आखिर ये किस मिट्टी से बना? उसे देखते ही अच्छे अच्छे लोग थर थर कांपने लगते हैं। उसका खून उसी की तरह है, बी नेगेटिव। उसकी नसें नसें नहीं है। हाई वोल्ट बिजली का तार है। सबका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो उसका 42 बार धड़कता है, इसलिए उसे फौलादी जिगर कहते हैं। उसे आज तक कभी भी हार्ट अटैक नहीं आया लेकिन उसे देखने वालों को जरूर आ जाता है। उसके बॉडी का सबसे डेंजरस पार्ट उसकी आंखें। जब वो किसी को देखता है तो आंखों में प्यार या गुस्सा साला पता ही नहीं चलता। सीधी सादी भाषा में बोलूं तो ऑर्डिनरी नजर आने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। बोलती पे सदमा हो गया ना? ख्यालों में। लेकिन आप कोई टेंशन मत लो, टोनी दिल का बहुत अच्छा है, बिना वजह चींटी को भी नहीं मारता। शुक्र है बच गई। तो ना हाँ पूतो फलो। नहीं मुझे मत मारो, तुम तो चींटी को भी नहीं मारते, मैं तो खुला सांड हूँ। सिर्फ चींटी को नहीं मारता। और ये चींटी नहीं था। यानी ये मनमानी करता है? किसी की भी सुनता नहीं है, सुनता क्या है ना? सिर्फ अपने बाप की। ए नालायक, थू साला कामचोर कहीं का, मार खाकर कचरे के डब्बे में पड़ा है। पैसा लेते वक्त कहता ना काम हो जाएगा, अब उठ उठ, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है तू, अपने बाप की इमेज का ख्याल कर। चल उठ, मार उन्हें मार उन्हें। अबे उठना कुंभकर्ण की औलाद। डैडी खुद ऊपर चैन से सो रहे हो और मुझे उठा रहे हो। अरे रुको, अगर मैंने तुम लोग को छोड़ दिया तो मेरा बाप मुझे सोने नहीं देगा, इसलिए प्लीज मार खा के जाओ। ए, रुको। कमाल है, उसका बाप उसको मरने के बाद भी दिखता, उससे बातें भी करता है। ऐसा गड़बड़ घोटाला ना आज तक देखा है ना सुना है, आखिर वो क्या भला है यार? किसी और के बारे में पूछते तो शायद मैं समझा सकता था, लेकिन उसके बारे में जितना बताऊंगा उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस बस्ती के हर इंसान की उसके बारे में अलग अलग राय है, वो रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं तोड़ने के लिए बनाता है। ये बहुत तारीफ हो गई, तू मेरे को उसका पता बता, मुझे उसे रूबरू मिलना है बस। अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी 1 साल से नहीं दिखाई दिया, पर वो इस वक्त कहीं कोई कैरेक्टर प्ले जरूर कर रहा होगा। समझ समझ के ना समझी को समझा जा सकता है, लेकिन कोई समझदार भी अपनी समझ से उसे नहीं समझ सकता। क्या क्या क्या, जरा ठीक से समझा। आपको समझा के मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा? नहीं नहीं, देख, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने काम को अंजाम देने के लिए वो हर वक्त रंग बदलता रहता है। अच्छा, उसके मादर फादर ने तो नाम रखा था टोनी, लेकिन उसकी हरकतों से तो होना चाहिए था गिरगिट। चलो आज दुकान बंद करते हैं। काय को सर, कैरेक्टर में दम नहीं है क्या? अरे है ना, लेकिन आज मैंने बहुत काम कर लिया ना भाई, कुछ ये मोहल्ले का कोई आड़ा टेढ़ा लुक का आ गया, मैं भाई को बोलूंगा सलीम अटेली से मंगा लेंगे। चलो भाई को बताते हैं क्या हुआ। क्यों रे टोनी, तू है कहाँ? गुप्त सूत्रों से कश्मीर में स्थित दहशतगर्दी के अड्डों का पता चलते ही सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोल दिया है, जिसमें कई प्रमुख आतंकवादी कैद कर लिए गए हैं। इनमें से एक आतंकवादी यासिर मोहम्मद इस आतंकवादी संगठन का सरगना बताया जा रहा है। उसी की रिहाई के लिए आतंकवादियों ने कुछ टूरिस्ट को अगवा कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर यासिर मोहम्मद को रिहा नहीं किया गया तो वो एक एक करके पर्यटकों को मारते चले जाएंगे। चार आदमी लेकर आओ। व्हाई आर यू डूइंग दिस टू अस?
What have we done? एक-एक को भून डालो। ए कमिश्नर, अगर मेरे भाई को रिहा नहीं किया तो सबको मार डालेंगे। जितनी जल्दी फैसला लोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना हर दो घंटे में एक लाश मिलेगी। ए, कौन है बे? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। ओह, एक अकेली लड़की। और तुम कौन हो? मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। ओह अच्छा। वो लोग हमें भी मार डालेंगे क्या? हाँ, दो घंटे में। हाँ? चलो अच्छा है, मरने से पहले दिल खोल के बात करने के लिए एक अकेला लड़का तो मिला। कहाँ की रहने वाली हो? दिल्ली की। और आप? मुंबई का। मरना तो यही है। हाँ? कहाँ की हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ, घूमने के लिए आई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जम्मू में फ्रेंड की शादी के लिए आई थी, चित्रा को बहुत मना किया, फिर भी वो मुझे कश्मीर ले आई। अब वो होटल में आराम से सो गई होगी, और मैं वादियाँ देखने का मन किया इसलिए निकल पड़ी और यहाँ आकर फंस गई। कश्मीर में ना बर्फ के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। हम कितनी देर में मरने वाले हैं? कहा था ना दो घंटे, एक घंटा तो तुम्हारी बकबक में निकल गया। एक घंटे के बाद हम मर जाएंगे। लाइफ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? आपको टेंशन नहीं हो रहा है? मरने का दुख नहीं हो रहा है क्या? आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए ना। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल, मतलब जिंदगी में आपने सब कुछ देख लिया है। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा, मैं कच्ची कली हूँ, यू नो। बाप रे, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इतने सपने सजाए थे मैंने, बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी, कैटरीना कैफ की पर्सनल डिजाइनर बनूंगी, दिल्ली में पेट भर के पानी पूरी खाऊंगी, चित्रा को गोवा घुमाऊंगी। सपने पूरे करने से पहले ही मर रही हूँ। अरे, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ। आप भी अपने बारे में दो चार बातें बोल दीजिए ना। क्या कहा? कुछ तो बात कीजिए ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगी। मेरी तरफ घूमिए, अपने सपनों के बारे में कुछ बताइए ना। क्यों घूमे बिना सपने नहीं सुन सकती क्या? नहीं, फेस टू फेस में अलग मजा आता है ना। मरने से पहले अपने सपने मुझसे शेयर कीजिए ना। अब क्या बोलूं, दिल में तो बहुत कुछ है, पर ऊपर वाले ने कभी मौका ही नहीं दिया। लाइफ में गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा रोमांस, लाइफ का पहला चुम्मा, अगर ये सब लाइफ में ना हो तो छह, अब क्या, मरो बिना चुम्मे के। जुदा 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 मुझसे ना हो ना, तू है मेरी जिंदगी, हो खुदा खफा चाहे नहीं हो ना, खफा मुझसे तू ही आ। मरने से पहले मेरे सपने तो पूरे नहीं होंगे, एटलीस्ट तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती हूँ। मरने तक तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझो। टाइम नहीं, जल्दी बोल। जुदा 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 मुझसे ना हो ना, तू है मेरी जिंदगी, हो खुदा खफा चाहे नहीं हो ना, खफा मुझसे तू है मेरी जिंदगी, तू ही आरज़ू है। दस करोड़ और 6 महीने की प्लानिंग के बाद आज हाथ आया है तू। दर्द हो रहा है ना? काफी दिनों से मैं भी दर्द से तड़प रहा था। सारा तुम्हारे बगैर कोई धंधा नहीं कर सकता। इंडिया में आर्म्स हो, ड्रग्स हो, एक्सटॉर्शन हो, कोई भी काला धंधा हो, कोई दूसरा एंट्री करता है तो उसे मार देते हो। तुझे टपकाने के बाद तेरे भाई अज्जू को भी फिनिश कर दूंगा मैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होना नामुमकिन है। तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चल अब जल्दी फोन उठा और बोल, तेरा आखिरी फोन है, बोल। हेलो, तुम्हारा काम कर दूंगा, घबराओ मत, मैं खुद आकर तुम्हारा काम करूंगा। ओके, तेरा काम हो गया, चल पैसे निकाल। भाई पैसे तो दे ही दिए। ए, ज्यादा होशियार मत बन, मेरा पैसा मुझे दे दे। भिजवा दिए भाई। देख, मेरे साथ होशियारी तो करना मत, सीधा सीधा पैसा निकाल। खबर में पैसे लेके जाएगा। आपने होशियारी में देख कर होगा क्या? देखिए, सीधा सीधा पैसा निकाल, तेरे साथ नहीं नहीं करने का ही नहीं है। मैं पैसे भिजवा चुका हूँ। ए मिस्टर, आपसे दोबारा बिजनेस करेगा कौन? चुप 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 चुप। मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए, वरना जिंदा नहीं छोड़ेगा। पैसा निकाल दो इसको अभी जान से। बूम,
इसकी कहानी तो खत्म हो गई। जानता हूं, उसे दिया हुआ वक्त खत्म हो गया। चलो अब चलते हैं। कौन है बे तू? शिवा गैंग वाले आप ही हैं ना? इसे भी देखकर शक हो रहा है क्या? सारे काम पता नहीं सा। भाईजान हमने किया क्या है? अब तुम देखोगे हमारा जलवा। मुझे नहीं। मत मारो, ये सबको क्लीन बोल्ड कर देगा। अब लोहे से मारेगा क्या? नहीं भैया, मत मारो अपने छोटे भाई को, मत मारो। आपने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 महीने बाद शादी है मेरी, मैं कुछ करने लायक नहीं रहूंगा। आप इतना क्यों मार रहे हैं हमें? डर के मारे। पर क्यों भैया? कल आप हनुमान नगर में आए थे ना? हाँ। ए, शिवा गैंग का नाम सुन के भागने की कोशिश कर रहा था। कल पैसे लेके गोडाउन में आ जाना, हमें पूरे 50,000 चाहिए। 1 रुपए भी कम हुए तो 1 इंच कम कर दूंगा। उसने हमारी सुपारी दी। नहीं नहीं, मैं 5 सुपारी कुछ नहीं लेता। तो फिर हमें 5 जैसे क्यों चबाया? ठीक से याद कीजिए, जाते जाते आपने वार्निंग दी थी ना। ए, अगर 12 बजे तक पैसे लेकर नहीं आया तू, तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे हनुमान नगर वाले लोगों को इस शहर के मैप से गायब कर दूंगा। मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हनुमान नगर आया था भाई। अगर वो आदमी आपको पैसे ना देता तो आप बहुत गुस्से में आ जाते, और फिर वार्निंग के मुताबिक आप हनुमान नगर के साथ मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों को गायब कर देते। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ही आपको ढूंढकर आपको गायब कर लूंगा। इसीलिए कल रात भर जाकर मैं यहाँ आकर आप लोगों को टपकाने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने वार्निंग जरूर दी थी, लेकिन सिर्फ उसे डराने और धमकाने के लिए। देखिए भाई, किसी को भी डराइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझ जैसे हीरो को कभी मत डराइएगा। वो क्या है, मैं डर से डरता हूँ, इसीलिए लोगों को पीटता हूँ। अच्छा चलता है। अब क्या भाई, सुनिए, सॉरी बोलना था। तुझे डर लगता है तो तू क्या करता है टकले? छुप जाता हूँ कहीं। और तू? मैं अपनी पैंट गीली पीली कर देता हूँ। जब ये डरता है तो दूसरों को क्यों डराता है? ऐसा कौन सा स्टाइल है उसका? उसे बुलाकर पूछें क्या? ए, वो टपोरी तुमको मार के गया। चलो ससुराल। क्यों? उसने तुम सबके खिलाफ कंप्लेंट की है। इसलिए तुम लोगों को मार के डर गया कि कहीं तुम कंप्लेंट ना कर दो, इसीलिए वो फर्स्ट आ गया। पहले तो डरने पर वो मारता है, उसके बाद कंप्लेन भी करता है, ये कैसा डर है? उसे बुलाकर पूछे क्या? निहारिका, तुझे अक्ल है कि नहीं? उस टेलर ने तेरे सामने 2 आंसू क्या बहाए? तूने तो किराए के पूरे पैसे ही दे दिए, अब मकान मालिक को क्या देंगे? हम मैनेज कर लेंगे चित्रा। आजकल समाज सेवा कुछ ज्यादा ही कर रही है। और तो और, एक आदमी के मरने से पहले तूने उसे किस करके उसकी तमन्ना पूरी की? उस वक्त मुझे वही सही लगा, इसलिए किया। ये पी ले, जब वो लड़का तेरे पीछे पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुझे। तभी तो मैं उसे बिना कुछ बताए चली आई। You can run and hide, but you cannot escape his love. अरे, ऐसा ही एक गाना मैंने एक म्यूजिक चैनल पर सुना है। ओह, ऐसा। क्या हुआ? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पकड़ पकड़, मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय। जल्दी आना। मुझे तुम कब दोगी? ड्रेस मिल जाएगी। मुझे इसी वक्त चाहिए। पर इस वक्त तुम्हारी ड्रेस रेडी नहीं है। आज फैंसी ड्रेस में मैं वही ड्रेस पहनूंगा। पहले जो ड्रेस बनाया था उसकी फीस मैंने माफ कर दी है, इसलिए किराया मत लो। दिल की घंटी जोरों से बज रही है। दिल की नहीं, दरवाजे की है। आता हूँ। पहले जाओ तो। कौन हो तुम? चित्रा, राइट? अपना इंट्रोडक्शन दो। मुझे नहीं पहचाना। ओहो, तुम्हारी फ्रेंड ने नहीं बताया ना, मैं और वो कश्मीर में। हाँ? या। ओ, पीछे पड़ गया। उसने तुमको बताया नहीं वो अमेरिका जा रही है?
दो घंटे बाद फ्लाइट है। क्या कहा? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कश्मीर से ढूंढता हुआ यहाँ आया तो तुम अमेरिका जा रही हो? बाय तो छोड़ो, अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें? पीछे ही पड़ गए। पहले ही मुझे बता देती तो मैं अपना भी पासपोर्ट वीजा बनवा लेता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझसे बात करो। अरे पर सुनो तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, पहले तुम सुनो। अरे रुको तो। नहीं रुकूंगा। मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ। क्या राकेश, मेरा बॉयफ्रेंड राकेश, मैंने बताया था ना कश्मीर में इसी ने मेरी जान बचाई थी। ओह हेलो, एक्चुअली इनकी जान बचाकर आपने मेरी जान बचाई है, थैंक यू। छोड़ दो। ओह मेरा हाथ नहीं, इस लड़की का साथ छोड़ दो। हाँ? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए? एकदम करेक्ट, पागल हो गया हूँ। इसके प्यार में पागल हो गया हूँ राकेश, सच्ची। सोते जागते सिर्फ यही नजर आती है मुझे। इसी को तो प्यार कहते हैं ना। इसका नशा ऐसा चढ़ा है कि और कोई नशा चढ़ता ही नहीं। देख राकेश, तू तो वैसे भी अमेरिका जा रहा है, वहाँ किसी छोटे कपड़े वाली मेम को पटा लेना, मगर इसे मेरे लिए छोड़ दे प्लीज। देखो हमने तो हाथ भी मिलाए हुए हैं, अब सिर्फ प्रॉमिस करना है। ये सब क्या हो रहा है, पागल है क्या वो? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर मैं उसे संभालूंगी, तुम फिक्र मत करो राकेश। सर फ्लाइट का टाइम हो गया। राकेश टाइम हो गया, पहुंचते ही खत लिखना। राकेश इधर आओ। निहारिका ही लुक्स टू डेंजरस, मैं रुकता हूँ। एक लड़के की वजह से अपना टूर कैंसिल करोगे, तुम्हारे लौटने तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। जाओ, मिनिस्टर वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पता है ना? ओके, लेकिन तुम इस लड़के से दूर रहना। ओके ठीक है, दूर रहूंगी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हैव अ नाइस फ्लाइट। थैंक यू। Have a nice flight. वापस मत आना। Your boarding pass, please. तुम अब तक यही हो? मुझे पता था तुम चिपकू टाइप सा, इसलिए तो मैं बिना बताए चली आई। और अब मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें पता है मैं उससे शादी करने वाली हूँ। मुझे क्यों डांट रही हो? तुमने तो वादा किया था कि मरते दम तक मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अगर कश्मीर में मर जाते तो ऐसा हो सकता था, पर नहीं मरे ना। अब राकेश के आने के बाद हम शादी करके हनीमून पर जाने वाले हैं। I'm in love with राकेश। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। तुम प्यार तो राकेश से करती हो, लेकिन उस दिन कश्मीर में तुमने मुझे किस किया था? क्या किस थी? तुमसे अच्छी कोई लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। मिल सकती है क्या, तुम ही बताओ? देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखती। जीने का दूसरा मौका मिला है तो तुम अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढो, मुझे जाने दो। मैं भी तो इस दूसरे मौके का ही फायदा उठा रहा हूँ। वैसे भी राकेश यहाँ नहीं है, मैं तुम्हें 15 दिन में पटा लूँ तो मैं पट जाऊंगी क्या? देखो मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, सिर्फ एक बार ट्राई करना। ट्राई करके क्या होगा? देखो प्लीज 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 मना मत करना, राकेश के लौटने तक तो कोशिश करने दो ना। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं पटने वाली नहीं। देखो अगर तुम मुझसे नहीं पटी ना तो मैं मुंबई चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक ट्राई तो करने दो ना, प्लीज प्लीज मान जाओ। ठीक है कर लो कोशिश। सुनो अपना नाम तो बताओ। निहारिका। सारिका? सारिका नहीं, निहारिका, मेरी प्रेमिका। टोनी निहारिका, शक्लें बना रही है। सुनो दिन में 3-4 बार बोलो तो आदत हो जाएगी। भाई, नमस्ते भाई। साले 5,000 रुपए के लिए मेरे आदमियों को तेरे पीछे दौड़ा रहा है? जेब ढीली कर वरना पैंट गीली करता हूँ। तो साले डाल दूंगा। यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या? अगर किसी ने जाके पुलिस में शिकायत की तो सिर्फ इसे ही नहीं तुम सबको टपका दूंगा। मुझे मत टपकाना। कौन बोला बे? सामने आ। तू यहाँ? डरो मत भैया, तुम्हें डरता देखकर हम सभी को भी डर लगता है। अरे भैया तुम तो हनुमान नगर के हो ना, तो फिर ये एरिया में कैसे आ गए? मुझे लगा आप मुझे ढूंढने वहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन आपके हाथ में ये चाकू क्यों है? आप इससे मुझे मारेंगे? अरे नहीं नहीं, ये तो नकली है, खिलौना है। टैंक्यू। ये नीचे क्यों देख रहा है भाई? ये तो वही बैग है, ये तो फिर बैटिंग करेगा। इसके डर का कुछ ना कुछ इलाज करना होगा। अगर अपने डर को भगाना है तो हमें सबसे पहले उसके डर को भगाना होगा। टुचकुटुइया। चीयर्स। अगर तुम्हें अपना डर भगाना है तो फिर इसे घटकना होगा। इसकी आदत नहीं है भाई। चलो ठीक है मैं पी लेता हूँ तुम्हारा डर भगाने के लिए। मैं
तुझे तो आदत नहीं थी? पिताजी को नहीं है, मुझे तो है। अब समझा, तुम्हारे पिताजी को सिगरेट की आदत है? मुझे है ना भाई। अच्छा मुझे जरा एक बात बताना, अभी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? यही बगल में बैठे। किसके बगल में? कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? ये रहे, यही तो बैठे। लेकिन यहाँ तुझे शौक लगा है क्या? भाई ये मजाक कर रहा है या तो इसे चढ़ गई है। ये क्या पिताजी, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये ग्लास उठाकर यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। हम तो डर भगाने के लिए यहाँ बैठे थे, आप तो और ज्यादा डरा रहे हैं। नहीं भाई, आपने कहा पिताजी दिखाओ। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल होगा और तुम मुझे जवाब दोगे। अच्छा बताओ किस चीज से डरते हो तुम? मैं तो आपसे ही डरता हूँ। फिर वही, अरे मेरे अलावा और किससे? मुझे डर है मेरी लव स्टोरी अधूरी ना रह जाए। लव स्टोरी का चक्कर है? हाँ भाई, मेरी लव स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। इसमें क्या नई बात है भाई, आजकल तो लड़कियाँ कपड़ों के साथ साथ बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। स्टोरी कंटिन्यू करो। उस लड़की को अपना बनाने के लिए मेरे पास ओनली 10 डेज का टाइम है। अगर इतने टाइम में मैंने उसे नहीं पटाया ना, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पटाया जाएगा। समझ गया, तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड होगा तभी तुम्हारा डर भागेगा। हाँ। हाँ। मतलब हम फिक्र करना अब छोड़ देना। चुप कर बाल की दुकान, आप अपने डायलॉग में पॉज मत देना, एक सिंगल टेक में डायलॉग बोल डालो। अच्छा तो एक काम कीजिए, बोलो ना, उस लड़की को 1 घंटे में रास्ते पर ले आइए। आजकल के आशिक अपनी महबूबा के लिए पेंट हाउस बनाते हैं और आप अपनी वाली को रास्ते पर लाना चाहते हैं। मगरमच्छ की औलाद। हाँ तुम बोलो भाई। उसे पता ना चले कि मैं करवा रहा हूँ और ये भी कि आप कर रहे हैं। ना डराना है ना धमकाना है, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना है, लेकिन 1 घंटे में उसे रास्ते पर लाइए भाई। कैसे करेंगे बेटा सत्तू? कैसे हो बड़े भाई, आपका बंगला तो एकदम 5-स्टार होटल के जैसा है। तेरे बालों में आग लगी है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे जो तुम्हारी किराएदार है ना, उसको यहाँ से भगाना है। मकान खाली और अपना रास्ता साफ, सिंपल। मैं ऊपर वाले के इशारे पे काम करता हूँ क्योंकि मुझ में उसी की शक्ति है। ज्यादा यूज हो रहा है, टोटल लॉस। अरे ये क्या किया आपने? मैंने तो सिर्फ स्पर्श किया था। आपका स्पर्श है ही ऐसा? तुम जाओ राजू। सत्या, आप कौन स्पर्श करवाने आया है? सत्या कहाँ है? निद्रा आसन में है। टू डाउन, हाउ मेनी मोर टू गो? इसे क्या हो गया? सिर्फ नैन लड़ाई थे। नैन लड़ाने की पुरानी आदत है आपकी। निकलो और वर्तमान में आओ। मूंछ वाले टकले। राजू हट गया बाजू। तुझसे नीचे का कमरा खाली करवाने को कहा, तूने मर्डर कर दिया। पटेल लेके सब मैंने नहीं, मुझे नहीं रहना, मैं भी मर जाऊंगा। दरवाजा इधर है। इसने शॉर्टकट क्यों मारा? हैं? हाथों में हाथ। तू मर गया क्या? दो पुरुषों में मैं ये अनोखा प्यार पहली बार देख रहा हूँ। बाप रे। अरे अरे सुनिए तो। बंद। दो लोग और आ रहे हैं। बलि चढ़ने अब और बात नहीं कर सकता। मैडम जरा टीवी तो लगाइए, उसमें हम भूतों का सीरियल आ रहा है। मैं चला। लटकाओ। अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे? कहानी लंबी किए बिना तुम चुपचाप ये मकान खाली कर दो। धंधा क्यों डाला? धंधा छोड़ो और धंधे की बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारी वजह से सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। कैसे खाली करते बताओ तो? वजह क्या है? ये है कि आज मेरे से बहुत हत्याएं हो चुकी है, अगर तुमने वक्त लगाया तो तुम भी ऊपर पहुंच जाओगे। रोना स्टॉपिंग, तुमने तो बड़े पुण्य का काम किया है। इनकी आत्मा अब जाके डायरेक्ट परमात्मा से मिलेगी, इसलिए अब इन्हें ले जाओ। सुनना, अरे ये आंटी को लेकर किधर जाए? अपने घर का हीटर खराब है ना। ओ, अब दूसरी अफसरा ढूंढनी पड़ेगी। तुम तो मरिंग, अब कैसे खड़े होइंग? आई एम सॉरी, अब तो ठीक है ना? यस, ओनली लेटिंग। लगता है पगला गया, चलो रे। बीवी के जाते ही ये घर स्वर्ग हो गया। ऐसे ही अचानक हमें निकाल देगा, मैंने सोचा भी नहीं था। आपके प्लान के मुताबिक आपकी लवर रास्ते पर आ गई है। अब जाकर उसके लिए एक घर ढूंढना है। ए, तुम ऐसे रात को सामान के साथ? मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। ओहो, तो अब क्या करें? राकेश को फोन कर। हाँ हाँ जल्दी करो। अरे पर वो तो यहाँ नहीं है। एक आइडिया दूं, आज सुबह मैंने यहाँ पड़ोस में घर देखा था, अगर चाहो तो दिखा सकता हूँ, किराया भी बहुत कम है। नहीं, एक बार फिर सोच लो, इस वक्त यहाँ अच्छे लोग नहीं घूमते। दिखा रहा है तो देखने में क्या हर्ज है, हमारे ब्रोकरेज के पैसे बच जाएंगे, लेकिन सामान? कूली बड़े अच्छे लगते हैं भाई, लेकिन बक्से नहीं। लगता है यहाँ की बिजली गुल है, संभल कर जाना, ए सामान कहीं गिर ना जाए। बस आप डरना मत।
किराया 7,500। किराया मैं दे दूंगा, तुम्हारे साथ रह लूं? कोई जरूरत नहीं, रात हो चुकी है, अब तुम जाओ। तुम्हें रात को डर लगता है ना? तो इससे कहो मुझे यहाँ रहने दे। लेकिन ये घर है किसका? मेरा है। क्या क्या बात है, दिलवाला तो दुल्हनिया घर ले आया। पर अब तुम कहाँ रहोगे? किसी का भला करो तो बाहर रहना पड़ता है, वो अंदर आराम से सोया है और हम लोग यहाँ भीग रहे हैं, खासकर मैं। तो बैड लक की खराब है भाई, मेरे पैरों का कलर निकल रहा है, नहीं छोड़ूंगा इसे। तू वहाँ अंदर चैन से सो रहा है और हम सब यहाँ भीग रहे हैं, बाहर निकल वरना खैर नहीं। भाई, कोई बाहर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे डर लग रहा है। यो निकल गई ना हवा, टाइ टाइ फिस। बिहारिका, बाहर आओ। क्या हुआ? ये घर तो इतना बड़ा है कि हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं। सफेदी की चमकार। वाह वाह, क्या बीच है। हाँ, क्या हुआ? तुझे सरप्राइज देने के लिए वो हमें अंधेरे में लेकर आया, ये सब उसकी चाल है। मेरी फोटो यहाँ कैसे? तुझे पटाने के लिए ये फोटो यहाँ लगाई है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, तू मांगे हुए कपड़ों में हमेशा अच्छी लगती है। देख, मैं बोल रही हूँ, ये उसी का घर है। पार्सल, उसका नाम तेरा? कुछ भी कहो, घर बहुत अच्छा है, मैं तो यही रहूंगी। अरे बेवकूफ, ये सब वो तुझे फंसाने के लिए कर रहा है, चल चल के दूसरा घर ढूंढते हैं। 7,500 में इतना बड़ा घर कहाँ से मिलेगा? छोटे घर में रहने से अच्छा यही रह जाते हैं। ले, आ गया दीदार करने। मैं अभी तो कर रही हूँ। भाई, सीधा जाके आई लव यू बोल दो। All the best. अरे बोला ना साइलेंस। ये पाप है टोनी, शादी से पहले लड़की को ऐसे नहीं देखते। हाँ? अरे बाप रे, ये तो यहाँ है, तो फिर वो कौन है? सॉरी, देखो चित्रा, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें पूरा नहीं देखा। पूरा नहीं, थोड़ा तो देखा ना। अरे यार नेहा, बात को समझो, मुझे लगा ये तुम हो। क्या? अरे बाप रे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखो चित्रा, मैंने तुम्हें बुरी नजर से नहीं देखा, पर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे देख लो। सोफी, नो, ये बस करो, हमें कुछ देखना दिखाना नहीं, यू जस्ट गेट लॉस्ट। उस पर मरून दुपट्टा अच्छा लगेगा और फिर उस पर लटकन लगाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। क्या हो गया? काम चाहिए तो शॉपिंग मॉल में जा, वहाँ तुझे दूसरे कलर भी मिलेंगे और प्रिंट भी। तुझे एड्रेस बताऊँ क्या? मेरी बाइक। Stop it! बस करो टोनी, बस भी करो। टोनी, enough is enough. इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। Sorry sister. Sorry. It's okay. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मर जाता तो। उसने जो किया उसकी यही सजा है। उसने जो किया उसकी सजा देने वाले तुम कौन?
इंसान होते हो? आखिर तुम एक इंसान को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? जो भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा उसका मैं यही हाल करूंगा। क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छा, ओह, मैंने तुमसे हंसकर दो बातें क्या कर ली, तुम उसे प्यार समझ बैठे हा? तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने कहा तुम्हें एक मौका दे देती हूँ, और इसीलिए इतने दिनों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बस हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 15 दिन तो क्या, 15 साल भी अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगे ना तो मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। आई लव राकेश, अब प्लीज इसी वक्त मुझे अपने दिल से निकाल दो और मेरा पीछा छोड़ो। तुम प्यार के लायक नहीं हो और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चले जाओ। टोनी! टोनी! सॉरी चित्रा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गिरते वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था ना, इसीलिए इसका हाथ पकड़ लिया। छे, मैं भी कैसा अनाड़ी हूँ, क्या मैं इसके प्यार के लायक हूँ? ना बात करने की तमीज है ना प्यार करने की, बस चला मुरारी लड़की पटाने। अरे ऐसे थोड़ी होता है, लड़की के लिए किस्मत होनी चाहिए, लगता है जिंदगी भर कमारा रहना पड़ेगा। निहारिका, तुम और मैं बिल्कुल अलग है, इसलिए तुम्हें पटाने का आइडिया कैंसिल। अब से तो मैं तुम्हें सपने में भी प्यार नहीं करूंगा, यकीन नहीं होता? तुम्हारे प्यार को दिल से निकाल दिया। सच कह रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा, इसके सर की कसम, 100% लव कैंसिल। ओह यस, आई एम सो सॉरी। कुछ ज्यादा ही खुश हो गई, इतने दिन तुमने मुझे बहुत सताया, पर आज मुझे समझने के लिए मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देती हूँ। प्यार तो अब नहीं हो सकता, दोस्ती हो सकती है। No, दोस्ती करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टोनी, आज से जो मेरा है वो तुम्हारा। वैसे भी तुम जैसा फ्रेंड तो किस्मत वालों को ही मिलता है। नहीं, निहारिका नहीं। तो फ्रेंड्स, कम ऑन टोनी। लेकिन एक शर्त है, प्यार ठुकरा दिया मैंने, बर्दाश्त कर लिया, पर अब दोस्ती की है तो जिंदगी भर निभानी पड़ेगी। ओके, अरे निभाऊंगी ना, अब से हम दोनों फ्रेंड्स। हम दोनों नहीं, हम तीनों, थ्री इडियट्स, ऑल इज वेल। हाँ, दोस्त बना लिया? ये क्या तरीका है, तुम तो उसके बिना जी नहीं सकते थे। मैं अब भी यही बोलूंगा भाई, अपनी फ्रेंड के बगैर जी नहीं सकता। दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, इन बातों में कितना दम है आज मैं समझ पाया। बेशक दोस्त जरूरी होता है, लेकिन मरने के लिए नहीं गुरु। अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो गया है। अच्छा ठीक है, इस बात को जरा समझ लेते हैं। अच्छा, ये है आपकी फ्रेंड और ये है लवर, अब इन दोनों में से एक को चुनो। लवली फ्रेंड, ये तो कुछ नया है भाई, ये बंदा पहले क्यों नहीं मिला। ठीक है, आपने तो फैसला कर लिया तो पार्टी तो बनती है ना। मेरा प्यार अधूरा रह गया और तुम कहते हो पार्टी करनी है। किसी को बताना मत, मुझे इसने मारा है। हम लोग अपना डर भगाने के लिए चले थे और इसने हमें बहुत डरा दिया है। इससे पीछा छुड़ाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, पहला तो हम यहाँ से कोसों दूर भाग जाए। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसलिए तो मैंने दूसरा रास्ता भी सोच रखा है, क्यों ना हम इसे अपने गैंग में शामिल कर ले, ये बेटर है। भाई जी का, हम सबका भी एक बॉस है। अच्छा। उन्होंने आपको बुलाया है, आप हमारे साथ चलेंगे ना? चलूंगा ना, लेकिन अगर हमारे बॉस से मिलना है तो उनके हिसाब से जाना पड़ेगा, बुरा मत मानना। हाँ नहीं मानूंगा। एक कपड़ा डाल, ऑटो रिक्शा। बैठो भाई, ए बाहर निकल। कितना हुआ? अच्छा यहाँ सीढ़ियाँ हैं, जरा संभल कर पैर रख। सरकार देखिए किसे लेकर आया हूँ। Hello. How do you do? First you tell, then I. अरे भाई वहाँ नहीं, आपके पीछे। Oh, where do you do? तेरी रातों में दिया, तेरे हाथों में घूंघट उठाओ। बहुत हो गया छिपना छिपाना, घूंघट उठाओ। अब सुन बच्चा, तेरे बारे में मुझे मेरे आदमी ने सब बताया है। मैं बैठूंगा, तू खड़ा रहेगा। अब मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे सिपे सलार जो खड़े हैं उनके नाम, ये पहले वाला है शिवा, और ये है सत्या, ये है शोले की आग, ये है दौड़, ये है जंगल का जंगली, और ये है लेटेस्ट एंट्री छोटा राजू।
ये है रात और ये है भूत। और आप इन भूतों के नाथ हैं? सरकार, ये हमारे सर के कार हैं। वैसे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बिल नहीं भरा क्या? देख छोटे, ये हमारा सीक्रेट अड्डा है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे एक पट्टी बांध कर लाए हैं। इसके बारे में किसी को पता ना चले। इसमें सीक्रेट क्या है? औरंगाबाद रोड में सीताफल मंडी के पास सीताराम नुक्कड़ पर लक्ष्मी निवास बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हूँ मैं। कम अगर इतना सब बताया तो यहाँ का पिन कोड भी बता देता। मैंने नहीं बताया सरकार। ये बहुत होशियार है, एड्रेस कैसे पता किया भाई? फ्लैशबैक में जाओ। ए, यही औरंगाबाद रोड है भाई। सीताफल मंडी में ले ले, सीताराम मंडी से लेफ्ट लेना। बिल्डिंग का नाम क्या है? लक्ष्मी निवास। वो तेरे सामने है, रोक। ऑटो में की गलती तो मैं मान गया, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये ग्राउंड फ्लोर है? लिफ्ट से थर्ड फ्लोर तक लेके गए, फिर सीढ़ियों से तीन मंजिल नीचे ले आए, तभी मैं समझ गया कि ये ग्राउंड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर की बात तुम्हें कैसे पता चली? फिर से फ्लैशबैक में जा। तीसरी मंजिल। समझदार है ये, बस इतना ही काफी नहीं है छोटे। अगर तू हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है तो अभी की अभी मेरी पोल खोल के बता। आपका नाम जेपी नहीं है सरकार, झुन्नू प्रसाद है। देख छोटे, अगर तू हमारी गैंग में शामिल हो गया तो इससे हमें क्या फायदा होगा बता? बताता हूँ सरकार, शहर का सबसे बड़ा डॉन कौन है? उसका नाम जेबी भाई है। उसे पूरे 11 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा ही आदमी चाहिए, उसे फोन लगाइए। मेरे फोन में बैलेंस कम है यार, कॉल कीजिए ना। असली है ना? साला कौन है? क्या हुआ, नंबर नहीं लगा? मिस कॉल दिया है, वो लोग फोन करेंगे। थू! मेरे छोटा रिचार्ज कराया छोटे। कॉल के 50 पैसे मैं दे दूंगा, फोन लगाइए। अरे आप लगाइए ना। मेरे को मिस कॉल देता है, अभी उठाता हूँ। अरे उठा लिया, पैसे कट गए। बैलेंस का बात कीजिए। बात कैसे बात करूँ? किस फोन से? हेलो हेलो, जरा जीबी भाई को फोन देना। भाई आपके लिए फोन। हेलो जीबी के बच्चे, तेरा गेम ओवर। आज से तेरा हर एक प्लान जेपी चौपट करेगा। तू है कौन बे? जेपी का आदमी। जेपी, ये कौन है? चुन्नू प्रसाद, मार्केट में नया है, मांडवली करनी है तो मुझसे आके मिल। तो कब मिलना है? जब बादल झूम के बरसेंगे। बादल कब बरसेंगे? अबे येड़े, जब हम मिलेंगे तब। चल फोन रख। इस फोन कॉल से आपका कल्याण हो गया, फिनिश। कल्याण नहीं, दी एंड हो गया। शहर के बहुत बड़े डॉन मेहमान है। हाँ, यूनिफॉर्म सिलवाइए और नहा धो के आइए। फ्रेंडशिप, सब खैरियत तो है ना? तीसरी दोस्त कहाँ है? वो सो रही है। सो रही है? पागल हो गए हो क्या? काम तुम्हारा है, प्रोग्राम तुम्हारा है, खुद ही कहा था 7 बजे पिकअप करने आ जाना। दोस्ती के नाते पिकअप करने आ गया तो मुझे पागल कह रही हो? चलो उठो अभी, बहुत लेट हो रहा है। जब प्यार करता था तो ऐसा नहीं था। चित्रा, निहारिका कहाँ है? सो रही है, जगाओ क्या? नो 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 नो, अभी 10 ही तो बजे हैं, सोने दो उसे, मैं वेट कर लूंगा। अरे उठाती हूँ, तुम्हें सुला दूंगा। टंकी फुल कर दो। तो हर संडे तुम ओल्ड एज होम जाती हो? गुड साहब, 2000। अरे गाड़ी मेरी है पर काम मैडम का है, पैसे इनसे ले लो। मैं कार्ड नहीं लाई हूँ। जब गले में पड़ा हो सोना, फिर काहे का रोना, उतार के दे दो। ये तो बहुत चालू चीज है। आपका पार्सल है? बिल प्लीज। सर ने पहले ही भर दिया है। क्या बात है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्या किया? पहले तो मेरा कितना ख्याल रखते थे और अब ऐसा क्यों कर रहे हो? ओ, ये बात है, वो लव था, ये फ्रेंडशिप है। दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। लव मतलब केयरिंग, फ्रेंडशिप मतलब शेयरिंग। कैसी लगी डायलॉग की फ्रेमिंग? कहाँ मिला? चावड़ी बाजार में सर। मुंह खोला उसने? बहुत टॉर्चर करने पर भी मुंह नहीं खोला सर। बहुत हीट है सर। मुझे जान से भी मार दोगे ना तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब साफ साफ बता दे कि अज्जू के गैंग में तू कब से काम कर रहा है? 1 महीना हुआ साहब। और इतनी जल्दी गोला बारूद का काला धंधा शुरू कर दिया? बड़ी लंबी छलांग लगाई तूने। मैं तो सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ, जहाँ भेजते वहाँ जाता हूँ, और मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये बता कि अज्जू भाई और उसके छोटे भाई इरफान का अगला टारगेट क्या है? उनका प्लान बता। उन्होंने इंडिया में कोई बड़ी मीटिंग रखी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी ऑपरेशन के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं, और मैं कुछ नहीं जानता। ये मामला बहुत गंभीर है, फाइल रेडी है ना? हमारे पास अज्जू भाई के 4 आदमियों की पूरी डिटेल्स है सर। हमने बाकी सबको भी ढूंढ निकाला है सर, लेकिन उनमें से एक मिल नहीं रहा है। हमारे पास उसकी तस्वीर है सर। इसके खिलाफ भी 4 मुकदमे हैं। मुंबई का कोई टपोरी है सर, लेकिन 1 साल से वहां दिखाई नहीं दिया। इसका नाम टोनी है सर।
मुझे इसी आदमी की तलाश थी। पता लगाओ कि ये आदमी इस वक्त कहां है। अबे बोल। मेरा डायलॉग क्या है छोटे? क्या? जो मन में आए बक दो। आज रात बारिश की संभावना है, छतरी नहीं लाया क्या? ए, छतरी गोल। तू छतरी खुलवाने आया था? अब मैटर क्या है बोलेगा? इसे कैसे पता हमने मटर खाए? 24 घंटे के अंदर अपने सारे धंधे बंद करके शहर से दफा हो जाओ। कर देंगे। झुन्नू भाई क्या बात लगा रहे, उससे बोलो। बारिश खत्म होने से पहले अपने सारे धंधे बंद करके दफा हो जा। क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन देना पड़ेगा। क्या बोल रहे? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मौत। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मौत। दौड़, सुन गन का साउंड। असली है छोटे, मैंने पहली बार गन देखी है। इसे चलाते कैसे? बीच में एक लाल बटन होगा ना, रेड वाला लाल है, उसे दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा? मजा आएगा, दबाइए तो। ओके, दबा दिया। ये गया। ए छोटे, इसका तो पैकअप हो गया। हिलना नहीं है। इससे पता है कि मैंने सुबह हाथ नहीं धोया था। आप बहुत बड़े डॉन बन गए भाई। चुप हो तुम भी। कितने फनी हो तुम। किससे बात कर रही है? राकेश से। तुम्हें क्यों खांसी आ गई? तुम तो उसके फ्रेंड हो ना? वैसे तुमने तो ये डायलॉग सुना ही होगा कि एक लड़का और लड़की कभी फ्रेंड नहीं बन सकते, है ना? फ्रेंड नहीं हूँ। क्या कहा? फ्रेंड नहीं हूँ। ए, वॉल्यूम बढ़ाओ। नहीं, मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ और ना ही कभी बनूंगा। राकेश कल वापस आ रहा है। ये गुड न्यूज सैड होकर क्यों दे रही है? टाइम कितना जल्दी बीत गया, कुछ करने को ही नहीं मिला। अच्छा, बहुत दिनों से पूछना चाहता था, तुम्हारे और राकेश के प्यार की शुरुआत कब हुई? बहुत लंबी कहानी है। तो मैडम, शॉर्ट में बताओ ना। याद है कल हम ओल्ड एज होम गए थे? करीब 6 महीने पहले हम उसी के सामने रहते थे। मुझे उन सबके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, पर एक दिन लीगल नोटिस आया और उन्हें कुछ ही घंटों में जगह खाली करने की वार्निंग मिली। ये सब किसी पॉलिटिकल झगड़े की वजह से हो रहा था, इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से बात करने गई। राकेश उन्हीं का बेटा है। वो मेरी बात समझ गया और उसने वो जमीन तुरंत ओल्ड एज होम को वापस कर दी। थैंक यू सो मच। 2 दिनों बाद वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आ गया रिश्ते की बात करने। मुझे उसका अंदाज बहुत अच्छा लगा और मैंने हाँ कर दी। बस वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। कहाँ खो गए यार? तुम्हारी लव स्टोरी तो टाइटैनिक की तरह डूबी हुई है। ये प्यार नहीं, व्यापार है। तुम दोनों मिलकर बिजनेस कर लो तो बहुत प्रॉफिट होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या कहूँ। तुम्हारी जरूरत वो जमीन थी और उसकी जरूरत तुम। बस तुम्हें जो चाहिए था वो उसने तुम्हें दे दिया और उसे जो चाहिए था वो लेने तुम्हारे घर आ गया। तुम भी बहुत चालाक हो। तुमने सोचा अगर शादी से इनकार कर दिया तो वो जमीन वापस ले लेगा। किसी न किसी से शादी करनी थी तो इससे क्यों नहीं? तुमने बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और पूरे डील पर प्यार का ठप्पा लगा दिया। तुम हमारे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? 100 बार कहूंगा। राकेश तुम्हारे दिमाग में बसा है, दिल में नहीं। राकेश मेरे दिल में नहीं बसा है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अपने आप से पूछो। उस दिन जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी थी तब तुम्हें चित्रा की याद आई, अपना फैशन शो याद आया, यहाँ तक कि दिल्ली की पानीपुरी भी याद आई। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो याद नहीं आया। पानीपुरी जितनी पसंद है राकेश उतना पसंद नहीं। अरे बाप रे बाप, मुझसे गलती हो गई। इस बिजनेस डील के चक्कर में मुझे अपनी लव स्टोरी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी, है ना? देखा देखा देखा, जो दिल में था वो जुबान पर आ गया। अब मैं पानी पूरी खाकर आता हूँ। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो याद नहीं आया। थैंक यू निहारिका, सॉरी फ्लाइट डिले हो गई।
वेलकम बैक राकेश, वेलकम बैक। इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहा है रेक्स? मैं इसका फ्रेंड हूँ, हम दोनों में दोस्ती हो गई है, तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। क्या कहा? हाँ रेक्स, नेहा तुमने बताया नहीं? प्यार में मैं हार गया रेक्स। ये चांद है तो मैं ग्रहण हूँ, ये टॉप फ्लोर है तो मैं ग्राउंड फ्लोर हूँ रेक्स। मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन तुम भी इसके लायक नहीं हो। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर हूँ तो तुम अंडरग्राउंड पार्किंग हो। इसलिए मेरी बात मान और भूल जाए इसे, दोस्त बन जा। तू होता कौन है? दोस्त हूँ रेक्स तेरी। मैंने सोचा तू इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये तो दिखावा था। देख दोस्ती के नाते कह रहा हूँ, तू इसके लायक नहीं है। निहारिका तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? इसने जो कुछ कहा क्या वो सच है? क्या मजाक चल रहा है? पहले तुमसे प्यार करता था, अब दोस्त बन गया तुम्हारा? ये जरूर हम दोनों को अलग करना चाहता है। अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मैं तो बस निहारिका के भले के लिए कह रहा हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। बस करो, कम ऑन राकेश। वेट, रुको। न तुम उसके लायक हो और ना ही मैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? निहारिका दोस्त हो तो ऐसा ओके, तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ना ही तुम। तो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? बोलो, है मंजूर? इसके मन में खोट है, इसलिए बोलती बंद हो गई इसकी। निहारिका की शादी करवाने के लिए मैं तैयार हूं, बट आर यू रेडी? बोलो। मैंने अपनी इस दोस्त के लिए कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? शर्म आती है मुझे अपनी इस दोस्ती पर। मैं तैयार हूं, तू भी तैयार है ना? तुझे भी इसकी इतनी चिंता है ना, तो मिलकर कुछ तूफानी करते हैं। मेहनत मेरी होगी, खर्चा तेरा होगा, सर्चिंग मेरी, स्पेंडिंग तेरी। कहां से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा पता नहीं, पर तुझे मर्द की जबान देता हूँ, एक महीने के अंदर तुझसे अच्छा लड़का लाकर निहारिका की उससे शादी करा दूंगा। थोड़ा सेंटी हो गया यार। निहारिका तुम शॉपिंग शुरू कर दो, तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई समझो। राकेश मेरे भाई, आई लव यू, क्या आइडिया दिया तूने यार, जाकर काम शुरू करता हूँ। रुको, रुक जाओ। इतने गुस्से में क्यों हो? ये मरा कि नहीं? लो अब मर गया। इसे मैंने निहारिका और स्टोनी के बच्चे पर नजर रखने के लिए कहा था, इतना कुछ हो गया और इसने कुछ भी नहीं बताया। ये टोनी चीज क्या है, रोज नया नाटक करता है और निहारिका कुछ भी नहीं कहती। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, दिमाग घूम रहा है मेरा, लगता है मैं उसे खो दूंगा। बेटा तुम्हें तो कोई भी लड़की? नो, नहीं, कोई और लड़की नहीं, सिर्फ निहारिका चाहिए मुझे। अरे ये तो छोटी सी बात है, अगर इतनी सी बात पर तेरा दिमाग चकरा जाएगा तो पॉलिटिकल करियर कैसे बनाएगा, माफिया को मैनेज कैसे करेगा? बेटा जो भी कदम बढ़ाना है सोच समझ कर बढ़ाओ, पहले आदमी की औकात समझो, फिर उसके मुताबिक उससे डील करो, सब हो जाएगा। पर अभी थोड़ा सब्र रखो, दुबई से अज्जू का भाई इरफान आ रहा है, उनके साथ एक बड़ी डील है, वो हो जाने तक थोड़ा शांत रहो, फिर तेरा मामला भी सेट कर दूंगा। पहले ये तो पता लगा कि वो लड़का चाहता क्या है। लड़का देखना है? पहले उसे लवर बनाया, बाद में फ्रेंड बनाया, फिर उसको लवली फ्रेंड बना लिया, और अब उसी लड़की के लिए एक लड़के को ढूंढना है। आखिर ये डिसीजन क्यों लिया भाई? और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो आपको कैसा लड़का चाहिए बताएंगे? घोड़े जैसा, बिल्कुल रेस के घोड़े जैसा। कोई घोड़ी है जो घोड़ा ढूंढना है? ढूंढना लड़का ही है, चलो ढूंढते हैं। पागलपन, इसे गोली मार दो। मार देता हूँ, नहीं खुद को मार लेता। अरे वो देखो लड़का, कहाँ मिला वो? रहा जैसा मैं कह रहा था, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ हाँ वैसा ही है। आया सरकार। भाई पूछिए सिंगल है या बैचलर? पूछ के रखता हूँ, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये इंसान है कि शैतान? मेरा दिमाग ऐसा फटा जा रहा है कि टक्कर मार के इस आईने को ही तोड़ दूंगा। ये क्या गिरा मुझ पे? मेरे रास्ते के स्पीड पे बुलाओ छोटे सरकार। दब गया।
मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे एक छोटे से आइडिया ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। माफिया वाले मुझसे मिलने के लिए बेकरार है। अच्छा? अब मैं इंटरनेशनल डॉन बन गया हूँ और वो सब मेरे लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे दिमाग ने तो हमारा स्टेटस बदल दिया। देख, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। तुझे जो भी चाहिए मुझसे बेझिझक मांगना। बिना मांगे सब कुछ मिल गया मुझे। आपकी खुशी में मेरी खुशी। मुझे कुछ एक मिनट, मुझे किसी ने याद किया। जीबी को टपकाने में मेरा स्टेटस इतना बढ़ गया तो छोटे भाई को टपकाने से मैं कहां पहुंच जाऊंगा। हे रेक्स, एकदम झकास लड़का मिल गया। मुझे तुझसे एक बार मिलना है। ओके? बोलो रेक्स, यहां क्यों बुलाया? आखिर चाहता क्या है तू? निहारिका की जिंदगी से दूर जाने का क्या लेगा तू? जो मांगूंगा देगा? जा दिया। पक्का ना? मांग के तो देख। मुझे तेरी जान चाहिए। तूने कहा था ना, निहारिका तेरी जान है, वही जान मुझे चाहिए। तो फिर दोस्ती का नाटक? यार में लोग क्या क्या नहीं करते, मैंने बस एक नाटक तो किया। अब और नहीं चलेगा तेरा झूठ, चुपचाप निहारिका की जिंदगी से डिलीट हो जा। मुझ जैसे टपोरी के लिए निहारिका एक ख्वाब है जो बड़ी मुश्किल से हकीकत बन रहा है, इसीलिए शराफत से कह रहा हूँ भूल जाओ उसे, वरना। तू धमकी दे रहा है? वो भी मुझे? मेरी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन निहारिका जैसी हरी भरी मैंने आज तक नहीं देखी। उसके साथ मैं अपनी रातें रंगीन करना चाहता था और ये हो के रहेगा, चाहे उसके लिए तेरी जान भी लेनी पड़े। मुंबई की पतली गलियों से हाईवे तक मेरे बारे में पता कर ले। जो कारनामे तू आज कर रहा है वो मैं बचपन में किया करता था। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, वरना वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तालियां बजाता फिरेगा। ए, जानता है तू किससे बात कर रहा है? माफिया के साथ रोज का उठना बैठना है, जिस इरफान भाई के नाम से पूरा देश कांपता है, उस इरफान के साथ मैं बिजनेस करता हूँ। बस एक कॉल करूंगा तो तू डायरेक्ट ऊपर। सिग्नल पर ट्रैफिक हवलदार पकड़ता है तब ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, उससे मेरी जान पहचान है। एक मासूम लड़की के बीच में माफिया को क्यों ला रहा है? मुझे तो लगता है तेरा भेजा ही खाली है। कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे? अगर वो मुझे नहीं मिली तो दोनों को मरवा दूंगा। वाट लग गई, हम दोनों पकड़े गए। एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया, थैंक्स टोनी। हम दोनों ही पकड़े गए थे ना, तो उसने तुझे थैंक्स क्यों बोला? तूने फोन लगा के मुझे बुलाया, मैंने फोन लगा के निहारिका को, सच्चाई उगलवा के तेरा कमीनापन दिखाने के लिए। उससे कहा मैं तुझसे झूठ बोलूंगा। मतलब तू जो भी बकवास कर रहा था वो सब? निहारिका से कहा था ये सब झूठ है, लेकिन असल में यही सच है। हूं ना कमीनेपन में तेरा बाप। तुम दोनों ऐसी उदास क्यों बैठी हो? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तेरी शक्ल पे तो हमेशा 12 ही बजे होते हैं, है ना? मजाक मत करो, राकेश ने वैसे ही मूड खराब किया है। इंसान मुश्किल में फंसने पर रोता है, पर मुश्किल से बचने के बाद रोने वाले पहली बार देख रहा हूँ। तुम लोग मेरी दोस्ती के लायक हो ही नहीं। तुम कौन से लायक हो? मैंने क्या किया? वही तो, तुमने कौन से झंडे गाड़े हैं? दोस्ती में लोग पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, धूम मचाते हैं, ये सब सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? ये क्यूट सी स्माइल काम नहीं आएगी। आई एम गेटिंग बोर्ड, नीड सम एंटरटेनमेंट, कम ऑन एंटरटेन मी, कम ऑन। हाय, वेलकम। समझो तुम्हारा काम हो गया। चलो भाई जल्दी करो। सामान रख दिया है। हेलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है टोनी। क्या कहना है? जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे, मैं भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती थी।
पर अब तुमसे मिलने के बाद लगता है जैसे मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। I want to be with you forever, Tony. I love you, Tony. I love you so much. हेलो हेलो पता है मैंने इसे क्यों मार दिया? ये एक धोखेबाज है, मगर चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वाइजैग से तुम्हारा माल निकल चुका है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निहारे का चाहिए तुझे? मैं उसके लायक नहीं। हाँ, इरफान भाई को नहीं जानता मैं। अब बोलना कुत्ते के पिल्ले। बुजदिलों की तरह पीछे से वार करता है क्या? लोगों से बात मनवाने का यही तरीका है तेरा? सुनना है तो सुन, तेरा वो इरफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे राकेश, कहाँ पर है तू? यहाँ कोई मेरा भेजा खराब कर रहा है भाई। अच्छा, तो मार देना उसे। नहीं भाई, मारने से पहले मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। तो यहाँ पर लेकर आ जा उसे, अच्छे से दिखाएंगे हम क्या हैं। ले चल इसे, पकड़ो उसे। ये बहुत शाना बनता भाई, आपको गाली दी इसने। यहाँ ले गया उसे। ए, चल देख, इरफान भाई के दर्शन कर ले। सलाम वालेकुम इरफान भाई, पहचाना नहीं? अज्जू, अज्जू भाई। सूट बूट पहन के सोफे पे बैठ जाने से कोई इरफान भाई बनता है क्या? कौन सी ड्रामा कंपनी से लेकर आया इसे? अगर ये इरफान है तो मैं लादेन हूं, बिन लादेन उड़ा दूंगा तेरे ट्विन टावर को। टपका डालो साले को। जा, कम बैक। तुझे क्या लगता है, तू मारेगा तो मैं डर जाऊंगा? पहले अपना नाम तो बता। टोनी। हिम्मत तो बहुत है तुझमें, तू इकलौता हम सबसे भिड़ने चला आया। मेरे आदमी तुझे इतना मारेंगे ना कि यहाँ भी नहीं जा पाएगा। मौका है, चला जा। बिजली की बस एक तार पूरे घर को रोशनी दे सकती है, मगर जब कोई उस तार को छू ले तो झटका 440 वोल्ट का लगता है। इस बेवकूफ को आसान मौत मत देना, इसे ऐसी मौत देना कि हर जन्म में इसकी रूह इरफान भाई के नाम से कांप जाए। वाह, ये नौटंकी वाला डायलॉग अच्छे मारता है। चल अभी बोल बचन बंद कर, अगर वाकई इरफान भाई है तो मुझे लुढ़का कर दिखा। जानता है तूने क्या किया? तुम सब चूहों के असली बाप अज्जू भाई के छोटे भाई इरफान का गेम बजा डाला। पागल हो गया है क्या? एक दुबली पतली लड़की के लिए इरफान भाई को टपका डाला तूने? पागल तो तुम लोग हो गए हो। तुम्हें लगता है इरफान भाई को मैं किसी लड़की की खातिर टपका दूंगा? अबे यहाँ पर मैं किसी लड़की के प्यार में पागल होकर नहीं आया, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। राकेश, तुझे मैंने उस लड़की के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहता तो इरफान को कश्मीर में ही टपका सकता था, लेकिन मुझे तुम सबके इकट्ठा होने का इंतजार था, और आज वो घड़ी आ गई।
तुम सबको एक साथ खलास करने के लिए मैं 2 महीनों से ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन स्पॉट तो तुम लोगों ने ही ढूंढ लिया। चुन चुन के मारूंगा सबको। मंत्री माधव और उनका बेटा 24 घंटे से लापता है। पुलिस ने बहुत छानबीन की लेकिन अब तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली है, और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि एक लॉरी में बहुत सारे गोला बारूद बरामद हुए हैं, लेकिन ये तस्करी कौन कर रहा था इसका पता नहीं चल पाया। हालात को देखते हुए गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। सर, मीडिया वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, अब उन्हें क्या जवाब दें? उन्हें तो बाद में जवाब देंगे, पहले अज्जू भाई को क्या जवाब देना इसके बारे में सोचो। मंत्री और उसके बेटे को नजरअंदाज करके कुर्सी जाएगी, और अज्जू भाई को नजरअंदाज करके जान। हर तरफ टेंशन ही टेंशन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल वालों ने एक ऑफिसर भेजा है। मंत्री माधव और उनके बेटे को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है, और कातिल का पता नहीं चल पाया है। शहर के बाहर दोनों की लाशें बरामद हो चुकी है, और उन दोनों के साथ माफिया डॉन अजू भाई के भाई इरफान की लाश भी बरामद हुई। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है और उसका मकसद क्या है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। निहारिका, राकेश के साथ क्या हुआ पता है? टोनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे बात करनी है उससे। छानबीन के लिए एक नए पुलिस अफसर को नियुक्त किया गया है। कल रात को हम ही ने 2 हथियारों से भरी लॉरी छोड़ी थी। अरे चलो जल्दी भागो यहाँ से। चलो चलो निकलो, इससे पता चल जाएगा कि हम इरफान भाई से जुड़े हैं। पुलिस तो हमें कुत्ते की मौत मार देगी ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन इरफान भाई को मारा किसने, सोचते हुए तो टेंशन हो जाती है मुझे। टेंशन टेंशन विदाउट टेंशन। मैं आपका सर दबा दूं? मैं तेरा गला दबा दूं? अच्छा सुनो, मैं ही हूँ अगला सरकार, मेरा सर दबाओ ना। बचाओ, मार डालेगा। गिल रही है, मोटू आ रहा है। अरे क्या हुआ, जबान को लकवा मार गया है, बोलना क्या हुआ? वो हम सबको मार डालेगा भाई, उसका यहाँ पर आने का मकसद ही कुछ और है। इरफान भाई को भी उस टोनी ने मार डाला,
आपको चने के झाड़ पर चढ़ा के बड़े बड़े ख्वाब दिखा के वो हम सबको मौत के मुंह में ढकेलना चाहता है। मंत्री और उसके बेटे को मार के उनको ऊपर पहुंचा दिया। हमारा सर पहले से ही चकराया हुआ है और तू मोनो एक्टिंग करके टाइम वेस्ट कर रहा है पागल। इन्होंने मुझे मारा क्यों? मैं तो इनके भले की बात कह रहा था। वो टोनी बहुत ही खतरनाक आदमी है। सबको किसने मारा हम ये सोच रहे हैं और तू चाहता है मैं तेरा सबटाइटल पढूं? जाके डूब मर। इनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लगता है मैं ही गूंगा हो गया हूँ। ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर कुछ तो बताइए सर। सर हम मीडिया वालों को कुछ तो जानकारी दीजिए सर। सर प्लीज बताइए। जैसे ही इस बात की पुष्टि होगी आप सबको इन्फॉर्म करेंगे। नहीं सर, लेकिन कुछ तो बताते हुए जाइए सर। भाई को इस बात की खबर मिली है? वो अभी वेकेशन मना रहे ले। अरे क्या बात कर रहे हो, पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी खबर करो। हाँ खबर ही हूँ ना मैं, मलिक का बकरा बनू मैं। ये लोग में इतनी डेरिंग है क्या? अज्जू भाई को ये बताने के लिए उनके भाई को किसी ने ठोक डाला और 500 करोड़ लेके रफू चक्कर हो गया। आसान है क्या? फोन मेरा होगा, आवाज तुम्हारी होगी, ठीक है ना? बोल भाई, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई वो इरफान भाई मर गए। भाई कब मरा? कल शाम को। कहाँ? औरंगाबाद में। कैसे? क्रेन का हुक आर पार कर दिया भाई। किसने मारा? पता नहीं भाई। भाई अज्जू भाई किसने मारा? पता नहीं भाई, मालूम नहीं भाई। हेलो अज्जू भाई। हाय गाइस, वेलकम वेलकम। प्योर रॉ डायमंड्स। इन्हें 500 करोड़ कैश चाहिए भाई। पैसा कहाँ पहुंचाना है बताइए? अफ्रीका। Why not? Within 10 minutes your man will have the money. Thank you. Sorry अजू भाई, इरफान भाई की मौत का बहुत बुरा लगा। किसने मारा उसे? जो जवाब सुन सुनकर मैं परेशान हो गया, वो बात मुझसे बुलवाकर अच्छा नहीं किया तूने। जिस तरह अपने बाप के पता न होने पर बुरा लगता है, उसी तरह अपने भाई के खूनी का पता न होने पर मुझे भी बुरा लग रहा है। मेरे होते हुए मेरे भाई की जान लेने वाला वो कमीना अब भी इस दुनिया में सांस ले रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ढूंढ निकालो उसे। हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा, फोन कट क्यों कर रहे थे? उस दिन मैंने जो भी कहा वो सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो अब मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? सोच रहा था एक बार और चेक कर लो। क्या चेक करना चाहते हो तुम? ओल्ड एज होम की बिल्डिंग मिल जाए इसलिए राकेश से प्यार कर बैठी, और उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझसे प्यार करने लग गई। सोच रहा था कहीं राकेश की तरह मैं भी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं, इसीलिए मैं एक लंबा सा गैप लेकर अपना शक दूर कर रहा था, पर पकड़ा गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? उस दिन मरने से पहले मुझे राकेश की याद नहीं आई, तब तुम ही ने कहा था ना कि ये प्यार नहीं हो सकता। तुम मुझे 7 दिन दिखाई नहीं दिए तो मेरा मर जाने को दिल कर रहा था। इसे तो प्यार ही कहते हैं ना। तुम्हें कोई और मिल गई है क्या? तुमसे कुछ पूछ रही हूं मैं, जवाब दो, कुछ तो बोलो टोनी।
तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी टोनी, प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं। डॉग फादर, नहीं नहीं गॉडफादर, आगे का कार्यक्रम दसो। तो वह हत्यारा अभी तक नहीं मिला, उसके ऊपर ये नया पुलिस ऑफिसर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करता जा रहा है। धरती फिर से हिल रही है भाई। अरे ये बाल में अब फिर से आ गया। मेरे बोल आपको सुनाई नहीं दे रहे थे ना, इसलिए लिख कर लाया हूँ, आप पढ़ लीजिए। अबे चार क्लास क्या पढ़ लिया तू, अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझता है क्या? तुझे पता नहीं कि काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर है, भैंस कहीं के। छोटे तू आया तो मुझे याद आया कि आज मेरी गली में चांद निकला, ये गूंगा मेरे 12 बजा रहा था। पर 12 तो इसकी शक्ल पे बजे। अरे इसकी शक्ल ही ऐसी है, कल गूंगा बनकर मोना एक्टिंग कर रहा था और आज ये लव लेटर लेकर आया है, देखो ये हिंदी में लिखा है फारसी में। चुप इतारसी, जरूर मेरी बुराई की होगी इसने। तूने अभी तक नहीं बताया, मुझे तो लगा कब का बता दिया होगा। क्या नहीं बताया? कुछ नहीं झुन्नू भाई, इरफान और उसके आदमियों को और मिनिस्टर और उसके बेटे राकेश को किसने मारा वो लिखा है इसमें। उन्हें किसने मारा? मैंने, और किसने? तुमने? हाँ झुन्नू भाई। देख छोटे ये कॉमेडी का वक्त नहीं है, मैं फुल ट्रेजेडी के मूड में हूँ। मैं कॉमेडी क्यों करूँगा, आपको यकीन नहीं होता ना? मैंने उन सबको मारकर पैसा यहाँ छुपा दिया था। सच में तूने ही मारा, मगर क्यों छोटे? मैं उनको ना मारता तो आप उस पोजीशन तक कैसे पहुंचते? पर मैंने तो तुझे अपना सपना कभी नहीं बताया था। आपने नहीं बताया फिर भी मैंने जीबी को मारा ना। वो जीबी मेरी गोली से नहीं मरा। ओहो, आपको लगता है आपने उसे मारा? अरे आप बटन दबाइए ना, जो होगा देखा जाएगा। ये सब किस लिए छोटे? आपको सबसे बड़े डॉन की कुर्सी पर देखना ही मेरा मकसद है, आपकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो समझ गया कि इरफान भाई को भाई के लिए मारा, लेकिन मंत्री और उसके बेटे को क्यों मारा? मैंने सोचा इरफान की मौत के बाद मिनिस्टर जिंदा रहा तो बहुत दुखी होगा, इसीलिए रहम खाकर मार दिया। अपने डर को भगाने के लिए तुम लोगों को धोते हो ये तो मालूम था, लेकिन रहम आने पर लोगों की जान लेना, ये बात हजम नहीं हुई। हर कैरेक्टर को ऐसे ही मारते रहेगा तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी? अगर तू ये सब मेरे लिए कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर मुझे कुत्ते की बहुत मारेगा, गन दिखा के कहेगा तेरा क्या होगा कालिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? डर लगता है तो उसे मार दीजिए भाई, आपके लिए तो मैं उस पुलिस ऑफिसर को भी मार दूं। आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं हूँ ना, मैं सब सेट कर दूंगा। गलती हो गई तो माफ कर देना भाई। झटका लगा तो जुबान चलने लगी। माँ कसम आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, अपना शागिर्द बना लो मुझे, यहाँ मैं आया था सबके सामने आपकी पोल खोलने, लेकिन आपने तो मेरा बंद गला ही खोल कर रख दिया, अब तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता सिवाय एक ऊपर वाले को छोड़कर। जहाँ तक मैं जानती हूँ इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इतने शांत स्वभाव के थे ये। मैंने मासूम बेटे और पोते को मार डाला रे, ये क्या हो गया? ये मंत्री जी की कुछ चीज है। इरफान भाई को मरे हुए इतने दिन हो गए लेकिन कातिल का अभी तक पता नहीं। कोई भी फोन करता है तो अज्जू भाई का फोन समझ के डर जाता हूँ मैं। उन्हीं का नाम मत लेना, उसने ये सब मेरे लिए ही तो किया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। पता लगाओ खूनी कौन है। अज्जू भाई को नहीं पता चला कि खूनी कौन है तो हमें क्या पता चलेगा, उन्हें कहिए खुद पता कराएं। वो कौन है पता चला? मालूम नहीं भाई। 20 दिनों से मैं यही बात सुनता आ रहा हूँ, मेरे भाई की मौत से ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि उसके खूनी का अभी तक पता नहीं चला। ये बात मैं फिर से सुनना नहीं चाहता। अब बताओ मुझे, पता चला या नहीं? पता चला या नहीं? ये तो मैं बड़ी असमंजस में फंस गया हूँ, बताऊंगा तब भी मरूंगा और नहीं बताऊंगा तब भी।
इस खामोशी से दिमाग और भी चकरा रहा है। अगर हमें थोड़ा बस करो, तुम लोगों से नहीं होगा इसलिए मैं खुद आया हूँ। ये गैंग वॉर नहीं है, किसी एक आदमी का काम है। मैं उस आदमी को 24 घंटे में पकड़ लूंगा और तुम लोग तब तक यहीं रहोगे। ये बात तुम लोग अच्छी तरीके से समझ लो। आपको कुछ बताना हो तो मुझे फोन कीजिएगा। 10 दिन में शादी करके राकेश घर बसाने वाला था। मैंने कितना मना किया था, मेरी बात नहीं सुनी। ये सब उस लड़की की वजह से ही हो रहा है। कितनी पनौती थी मेरे बेटे को, कहा गई। ये राकेश की लाइफ में कौन लड़की है? उन दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन फिर वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लगी। सर कौन है वो लड़का? लड़के का नाम टोनी है। टोनी? ये उसकी फोटो है। इसका नाम टोनी है सर। साल भर से मुंबई में नजर नहीं आया। टोनी यहाँ रहता है? रहता यही है पर मंदिर गया है। कौन से मंदिर? देवी के मंदिर, गाँव के बाहर पहाड़ी पर है। टोनी की पूरी जन्म कुंडली भेजो इसी वक्त। ओके सर। प्रभु द ग्रेट, अज्जू भाई ने ठान लिया है कि वो अपने भाई के खूनी को मार देगा और टोनी ने ये सब मेरे लिए तो किया है। अगर टोनी भाई के हाथ लग गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हम उस पुलिस ऑफिसर या अज्जू भाई के हाथ ना लगे इसलिए इतनी दूर आपकी शरण में आए हैं प्रभु द ग्रेट। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। 10 बार इस मंदिर की परिक्रमा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं? ये लड़का बेटा, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा, अपना हाथ तो दिखाइए। रहने दीजिए, मैं ये सब नहीं मानता। अरे हाथ आगे करो ना, देखिए इस टेढ़े की हाथ की रेखाएं सीधी नहीं होंगी। देखने में तो नहीं लगते पर हो तुम बहुत टेढ़े। हाँ, आपने तो मेरा ही डायलॉग मारा। बेटी, मंदिर के हवन कुंड में आहुति देकर परिक्रमा कर लो, इससे सब कुशल मंगल हो जाएगा। जी ठीक है, चलता हूँ। पंडित जी, तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले में बात करने के लिए ही तो उन्हें वहाँ भेजा है। आज तक तुम्हारे जैसा हाथ किसी का नहीं देखा। कहते तुम कुछ और बात हो, आंखें तुम्हारी कुछ और कहती हैं। तुम्हारा हर व्यवहार तुमसे विपरीत है। किसी के समझ में नहीं आता कि तुम्हारा चरित्र है क्या। फिर भी आप काफी कुछ समझ गए। देखो बेटा, उस लड़की को मैं कई दिनों से जानता हूँ। बहुत ही नेक लड़की है, सच्चे दिल से चाहती है वो तुम्हें। ये उसकी आंखों में साफ नजर आता है। उसके दिल को चोट मत पहुंचाना। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है पर ये मत सोचना कि सदैव तुम्हारी विजय होगी। काल कभी भी तुम्हें डस सकता है। लगता है ये पंडित पहले जिम में ट्रेनर था। बॉस, आपको तो यहाँ हर हफ्ते आना चाहिए। पहचान गया तो कुत्ते की बहुत मारेगा। और बाकी कुछ नहीं पाया। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। हेलो, हेलो, सरकार।
चित्रा, चित्रा रुक जाओ। मुझे मारोगे तो मार दो, मैं जानती थी तुम अच्छे इंसान नहीं हो। निहारिका को ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी, उसका तो दिल ही टूट जाएगा कि तेरे जैसा क्रिमिनल उसकी लाइफ में क्यों आया, क्यों आया तू? चुप रहो चित्रा। तुम क्या जानो कौन किसकी लाइफ में आया है? वो आई थी मेरी लाइफ में, जिस निहारिका को मैं जानता हूँ उसे तो तुम भी नहीं जानती, ना ही निहारिका जानती है कि वो कौन है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान मेरी दुनिया थी, मेरे पिताजी, वही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मगर वो एक क्रिमिनल थे और उन्होंने मुझे अपने जैसा बनाया। एक बार जुबान दे दी तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पूरा कर दे, उन्होंने मुझे भी यही सिखाया। मगर फिर एक दिन अचानक, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ ये? किसने किया? गुस्सा डाला रे। बताइए किसने किया ये पिताजी? साला पुराना दुश्मन था, अकाउंट क्लोज कर दिया। पिताजी, पिताजी। मेरा नहीं यार उसका। उधर मत देखिए पिताजी, नीचे देखिए दर्द होगा। मैं अपना खून नहीं देख सकता, कितना अंदर घुसा है देख जरा। घाव तो बहुत गहरा है पिताजी, पर आप घबराइए मत। खून बह रहा और बोलता है घबराइए मत, यहाँ मेरी जान निकल रही है, हॉस्पिटल लेके चल, जल्दी चल। टोनी जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। हाँ पिताजी, बोलिए ना। हर घर में एक आध खोटा सिक्का होता है, हमारे घर में हम दोनों ही खोटे निकले। अपने घर में भी एक ही होना चाहिए और वो मैं रहूंगा, और मेरे बाद कोई नहीं होगा। बस कीजिए पिताजी। हॉस्पिटल में आते आते मेरी जिंदगी की पूरी रील मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। पूरी जिंदगी में मैंने खुद पर गर्व करने लायक कोई काम किया हो मुझे याद नहीं आया बेटे। मैंने आज तक जो भी काम किए आज वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे बेटा। मरने के बाद कोई मुझे याद करे ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया, किसी का भला किए बगैर जा रहा हूँ, बड़ा अफसोस हो रहा है। पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, मैंने तुझे अपने जैसा बनाया, इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी तरह जीरो बनकर नहीं मरेगा तू। हर इंसान की शुरुआत जीरो से ही होती है, लेकिन लाइफ सबको हीरो बनने का चांस भी देती है, बहुत से लोग मौका खो देते हैं। मैंने भी खो दिया बेटा, लाइफ तुझे भी हीरो बनने का एक मौका जरूर देगी, उसे मत खोना। मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, उसे पकड़ कर रखना, फिर देखना तुम्हें वो अच्छा काम देखकर खुद पर गर्व महसूस होगा। ऐसा काम किए बगैर मेरे पास आए तो टोरी तुझे माफ नहीं करूंगा। पिताजी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। तुझे छोड़कर जाऊंगा भी कहा बेटा, मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, हाँ कभी नहीं। पिताजी की ये आखिरी नसीहत मेरे दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर बन गई, और जिंदगी ने मुझे वो मौका दिया निहारिका के रूप में। आपकी बहन हमारे घर की लक्ष्मी बने, यही हमारे लिए काफी है। लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। इतने अच्छे खानदान से रिश्ता आया है, निहारिका मान भी जाओ। नहीं भैया। अर्चना मेरे ख्याल से तुम ही इसे समझाओ, मेरी बात तो सुनती नहीं। हाँ कह दो निहारिका, लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। बताओ तो मना करने की वजह क्या है? ये है मेरी वजह। ओह भैया, मुझे अभी शादी करके यूएस में सेटल होके आप लोगों से दूर नहीं रहना है, आप ही मेरी दुनिया। हाँ, पर कभी तो आपको मेरी कसम है आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। बबलू कैच, जल्दी लेकर आ। ये गन किस लिए भैया? आप तो मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं ना, तो उसमें इतने पैसे और गन की क्या जरूरत है? आप कोई गलत काम नहीं करेंगे मुझे यकीन है, मैं आप पर किसी तरह का शक नहीं कर रही हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर, आप गलत हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। सर आप ही बताइए, मैं पुलिस वाला हूँ या क्रिमिनल? ये सवाल पूछने की वजह? कैसे बयां करूं समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या हुआ है? मैं एक अंडरकवर कॉप हूँ, इसकी खबर आपको है।
अपने वतन के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ कि अपने खानदान को भी नहीं बता सकता। क्रिमिनल्स के बीच रहकर भी मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनमें से एक को भी मैं आज तक खत्म नहीं कर पाया। खुद पर शर्म आती है मुझे। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहता हूँ। मुझे अपना वजूद वापस चाहिए सर। अपने इमोशंस पर काबू रखो सूर्या। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि तुम एक पुलिस वाले हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता सर। मैं देश के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ, लेकिन एक गद्दार बनकर नहीं। मैं अपनी वर्दी में शहीद होना चाहूंगा सर, एक क्रिमिनल की तरह नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मौत के बाद मेरे खानदान को मुझ पर फक्र होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। सूर्या, अगर तुमने मिशन यहीं पर छोड़ दिया तो अब तक हमने जो मेहनत की है सब बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। ये लीजिए, अज्जू भाई के सारे कारनामों की फहरिस्त है इसमें। पॉलिटिकल लिंक्स, टेररिस्ट प्लान्स और फाइनेंशियल हब्स, सबकी खबर है इसके अंदर। यहीं मुंबई में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। आप बस एक मौका दे दीजिए सर, आज ही खेल खत्म कर दूंगा। आप बस ऑर्डर दे दीजिए। बहुत बढ़िया सूर्या, मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, ये पूरी दुनिया जान जाएगी। जाके अपनी फैमिली को भी खुशखबरी दो। थैंक यू सर। हेलो निहारिका, एक खुशखबरी है, बच्चों को लेकर घर आ जा। ठीक है भैया। तुम्हारे सारे काले कारनामों की लिस्ट इस फाइल में है। कौन कौन से धंधे किस किस के साथ कहां कहां फैले हुए हैं सब इसमें है। अब इस दुनिया में तुम्हारे लिए छुपने की कोई जगह नहीं बची। तुम्हारा खेल खत्म। मतलब मेरा पॉलिटिकल करियर तो गया। अज्जू भाई कुछ करिए ना, नहीं तो जेल में हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। 50 करोड़ देता हूँ ये केस क्लोज कर दो। 100 करोड़ और दूंगा उस इन्फॉर्मेशन देने वाले का नाम बताओ। 100 करोड़। क्या अज्जू भाई, कभी आप हमारे लोगों को खरीदते हैं, कभी हम आपके लोगों को खरीदते हैं, ये सब आम बातें हो चुकी हैं। लेकिन मेरे लिए आम बात नहीं है। मेरे साथ ही रहकर, मेरे साथ ही खाकर, मेरे साथ ही ऐश करके साले ने मेरे ही पीठ पे खंजर घोंपा है, इसलिए उसका नाम बताओ। छोड़ूंगा नहीं उसे। 2 दिन में खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसे पुलिस अफसर अनाउंस करने वाले हैं हम। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता वो पुलिस की वर्दी में मरे। हमारे साथ रहकर हमें धोखा दिया, उसकी मौत पर हमारी मोहर होनी चाहिए। वो सिर्फ एक क्रिमिनल की मौत मरेगा और वो देशद्रोही कहलाएगा। चलो 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 जल्दी, संभाल के गिरना नहीं। ओके गाइस, मेरे पास एक खुशखबरी है, बल्कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ।
इनको किसने मारा है सर, हमें ये बताइए सर, जवाब दीजिए। सूर्या एक गैंगस्टर था, उसका आर्म्स और ड्रग्स माफिया से कनेक्शन था, इस बात का हमारे पास सबूत है। और हमारे पास इस बात के भी सबूत हैं कि उसका आतंकवादियों के साथ भी संबंध था, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई मर्डर केसेस में भी उसका हाथ था। और भी कई मामले हैं जिनमें पुलिस छानबीन कर रही है, जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, आप इस मामले को ज्यादा ना उछालें। शुक्र है ऊपर वाले का तुम ठीक हो। 5 महीनों से तुम कोमा में थी, तुम्हारे पूरे खानदान को मार दिया ये कह के कि वो आतंकवादी थे। तुम्हारा भाई गैंगस्टर था, खून किसने किए ये पता नहीं चला है। एम्बुलेंस में बॉडी रखते वक्त मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारी सांसें चल रही थी, लेकिन मैंने ये किसी को भी नहीं बताया और सीधा तुम्हें हॉस्पिटल ले आई और तुम्हारा इलाज किया। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है निहारिका, तुम्हारे पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स थे सबको मैंने मिटा दिया है। मैंने तुम्हें जैसे तैसे बचा तो लिया, लेकिन अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या हुआ? ये सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात अभी बता रही हूँ। और कितना वक्त बचा है? कुछ कह नहीं सकती, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तुमने क्यों जिंदा रखा मुझे?
जी करता मैं अपनी जान दे दूं। मुझे भी उन सब के साथ ऊपर क्यों नहीं बुला लिया तुमने? जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है, तो मुझे जिंदा रखने के पीछे क्या वजह है? कुछ तो जरूर होगा, वरना आप मुझे जिंदा नहीं रखते। मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूंगी? अब बस आप ही का सहारा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप ही ने मेरी जिंदगी को अंधेरे से भर दिया, अब आप ही मुझे रोशनी की किरण दिखाइए। कोई रास्ता दिखाइए भगवान, कोई मसीहा भेजिए। टोनी, अपने को यहाँ से अभी निकलना होगा, उनकी पूरी गैंग यहीं आ रही है। अरे मेरी बात तो सुन। यहाँ से चलते हैं यार, उसको बाद में देख लेंगे। सामने ही तो है, बाद में क्या देखना। ये तू क्या बोल रहा है यार, मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। इस भीड़ से तेरा ध्यान भटक गया है, पर मुझे मेरा शिकार बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जब शेर शिकार करने निकलता है तो उसे अपने शिकार के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। मेरा एक काम करोगे? पैसा कितना देगी? एक करोड़ है। क्या? एक करोड़ रुपए? किसे, कब, कहाँ, कितना मारना है बता, साले की पूरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सिर्फ मारना नहीं, जान से मारना है।
पैसों के साथ बैग भी लेके जाओ, मरवाएगी। रुको, बात तो सुनो। देखो प्लीज, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पागल हो गई है क्या? सुबह से मैं ही मिला था तुझे, तुझसे किसने कहा मैं मर्डर करता हूँ? मैं ये सब नहीं करता। जाए, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी और दिल्ली का अपना फ्लैट भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया, चल हट। देखो प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बुलाना जा, चल प्लीज प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही है तू? मेरी मदद कर दो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज प्लीज भाग जाओ। अरे पैर छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगी, रुक जाओ प्लीज, जब तक तुम्हारा नहीं करते मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ प्लीज, मेरी मदद कर दो, मेरे पास जो कुछ है तो मैं सब कुछ दे दूंगी, चाहो तो मेरी इज्जत भी ले लो। देखना तुम्हें वो अच्छा काम देकर खुद पर गर्व महसूस होगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान थे, मारने वाले कौन थे पता नहीं, क्यों मारा ये भी पता नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे बदला लेना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं ये सब भूल ना जाऊं। The operation is highly risky. Better leave it as it is, or else she will die. मेरे सर में एक बुलेट है, जिसे निकाला तो मैं मर जाऊंगी, और अगर नहीं निकाला तो मैं किसी भी वक्त अपनी याददाश्त खो सकती हूँ, ऐसा डॉक्टर का कहना है, इसीलिए तो मैं ये सब बता रही हूँ ताकि अगर मैं भूल भी गई तो मेरा बदला तुम ले सकते हो। तुम शायद भूल जाओ, आज से तुम्हारा हर दुश्मन मेरा दुश्मन है। एक एक को ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारना, मेरे परिवार के हर एक हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना, मुझसे वादा करो, वादा करो मुझसे। तुम अगर ये बात भूल भी गई तो भी मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, ये टोनी का तुमसे वादा है। उसके साथ हुई नाइंसाफी जानकर मुझे मेरे पिताजी की नसीहत याद आ गई, निहारिका को इंसाफ दिलाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, उसके दुश्मनों का नाम तक जाने बिना मैंने वादा किया था, और वादा करने के बाद मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने एक आदमी को पहचाना और मेरा खेल शुरू हो गया, वो अपनी याददाश्त खो बैठी लेकिन मुझे सब याद रहा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं उसका बदला पूरा करूंगा। अज्जू भाई का आदमी हाथ आने के बाद मुझे सबका पता लग गया। कुछ दिनों बाद मैं इरफान की तलाश में कश्मीर पहुंचा, जहां एक बार फिर मेरी मुलाकात निहारिका से हुई, जिसके लिए दिल में हमदर्दी थी उससे प्यार हो गया। वो वहां से चली गई और उसे ढूंढते हुए मैं तुम्हारे घर पहुंचा, याददाश्त खोने पर भी उसे खुश देखकर सुकून मिला, पर फिर मैंने देखा वो अपने परिवार के गुनहगारों में से एक से प्यार कर बैठी है, इसलिए पहले उसके दिल से मैंने प्यार मिटाया और उसके बाद राकेश को। अच्छा, इसलिए जब मैं उसे मिली थी तब उसको खुद के बारे में कुछ याद नहीं था, फिर मैंने जब उसका पासपोर्ट देखा तब मुझे पता चला कि उसका नाम है निहारिका। मुझे लगा कि उसकी इस हालत के पीछे कोई छोटी वजह होगी, लेकिन इतनी भयंकर कहानी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। पर तुमने उसे ये बात क्यों नहीं बताई? बताना होता तो कश्मीर में ही बता चुका होता, तब वो बस मेरे लिए एक अनजान लड़की ही थी, लेकिन आज मैं उससे प्यार करता हूँ, अब मैं उसके चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। मैंने उसे अपने परिवार की याद में रो रो कर तड़पते हुए देखा। उसे फिर से वही मंजर याद दिलाकर दोबारा उसकी खुशियां कैसे छीन लूं? कैसे उसे उस नरक में झोंक दूं? किसी और के लिए याददाश्त खोना श्राप हो सकता है, लेकिन निहारिका के लिए ये एक वरदान है। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदगी भर खुश रहे तो उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। तुम उसे कुछ मत बताना। कभी नहीं बताऊंगी, वो तो सब कुछ भूल गई है, लेकिन तुम उसकी खुशी के लिए सबसे बदला ले रहे हो। तुम तो एक हीरो हो, तुम्हारे जैसा जीवन साथी निहारिका को कहीं नहीं मिलेगा। उसे हमेशा खुश रखना।
अरे बेटा मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कुछ ही समय पहले एक आदमी की हत्या का प्रयास किया गया था। निहारी का बिटिया उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई है। अगर वो बच गया तो निहारिका की जान को खतरा है। तुम निहारिका को लेकर यहाँ से फौरन चली जाओ। हेलो, आप कौन? हेलो, और उसी वक्त मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आई। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने जिसे बचाया वो एक पुलिस ऑफिसर है। हेलो, उन पर किसी भी वक्त दोबारा हमला हो सकता है। ये सब बातें बाद में होते रहेंगे। उन्हें जल्दी से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ठीक है सर। यस, सुनो जी, उस ऑफिसर का बचना जरूरी है। वो हमें खूनी तक पहुंचाएगा। देख रही हो, यही सच है। उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हो? इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है निहारिका, हट जाओ। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जाने दो उसे। तुम नहीं जानती निहारिका, मैंने वादा किया था किसी से। हट जाओ। और हमारे प्यार का क्या? अपना वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा, और हमारा प्यार भी। अगर तुमने उस आदमी को मारा तो हमारा प्यार खत्म समझो। तुम्हारे लिए प्यार जरूरी है या तुम्हारा वादा? मैं वादा निभाऊंगा।
गाड़ी में होगा। भाई अंदर कोई नहीं है। भाई गाड़ी ओवरलोड हो गई है। अभी मैंने 20 आलू के पराठे खाए ना। भाई इस पुलिस ऑफिसर को तो वहाँ मारा था, ये यहाँ आके कैसे गिरा? क्या हो रहा है भाई? ये पनौती तो हमारे पीछे पड़ गया। कोई देखेगा तो सोचेगा कि हमने इसका मर्डर किया है। अभी हम क्या करें भाई? एक आइडिया है हमारे पास। एक्सीडेंट हो गया बोल के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा आइडिया है। तेरे सर पे बाल नहीं है लेकिन अंदर भेजा जरूर है, क्या बात कही है लल्ला? चलो कट टू हॉस्पिटल। डॉक्टर 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 एकदम सही टाइम पे लाए हो, ये ऊपर निकल गया क्या? नहीं नीचे ही, ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से 5 लाख जमा करो, जल्दी जाओ। सॉरी सॉरी, ऑपरेशन के पहले 5 और ऑपरेशन के बाद में 5। क्या कहा? अगर ये जिंदा हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये आईडिया किसका था? चुप, जल्दी से अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दीजिए। यहाँ से इस तरह से सटकना ठीक नहीं होगा। अगर हम अज्जू भाई की गैंग में शामिल हो गए तो हम इससे भी बहुत बड़े डॉन बन जाएंगे। तो कट टू अज्जू भाई। हमने इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, हॉस्पिटल के एक एक वार्ड में घुस के देखा, लेकिन टोनी हाथ नहीं लगा। भाई वो कौन है पता चल गया? उसका नाम टोनी है, इसी को ढूंढने स्पेशल ऑफिसर मंदिर गया था। ये मुंबई का कोई सड़क छाप टपोरी है। भाई भाई मुंबई में इसका बहुत बोलबाला है। इसकी एक प्रेमिका भी है। प्रेमिका? उसे पकड़ते हैं। ठीक है, वो खुद ही आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, टोनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था चित्रा। निहारिका तू कहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। सही इंसान नहीं है वो। मेरी आंखों के सामने उसने कितने लोगों को मार डाला। निहारिका, उसने ऐसा क्यों किया चित्रा? ओफो निहारिका, तुझे सिर्फ आधी स्टोरी पता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तुझे कुछ नहीं पता। तू बस जल्दी घर आ, हमारी जान को खतरा है। पता है मैं बीच में आई तो मुझे मारने को तैयार हो गया, शायद वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या बोल रही है पता भी है? जब तक मैं घर नहीं आ जाती तो दरवाजा मत खोला। टोनी की गर्लफ्रेंड तू ही है? जवाब दे, टोनी की गर्लफ्रेंड तू ही है? बोलती क्यों नहीं? कहाँ है वो? हिंदी में बोल। मुझे नहीं मालूम। नहीं बताया तो यहीं पर ठोक दूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड ये है? तू इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? हाँ, यहाँ हो क्या रहा है? वो मेरे आदमी को क्यों मार रहा है? ये लड़की मेरी मदद क्यों कर रही है? What the hell is happening? खत्म कर दो उसको, जाओ। उसे कुछ नहीं पता, इसलिए वो आपकी हेल्प कर रही है। मतलब तू जानती है? हाँ जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि तू उसके हाथों से मरने वाला है। बता मुझे कहाँ मिलेगा वो? नहीं बताऊंगी। तो फिर तेरे मरने के बाद वो लड़की बताएगी। ये सब चित्रा, चित्रा किसने मारा इसे? कौन है वो? चित्रा 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 चित्रा। सॉरी, ये तुम्हारी दोस्त थी, हमें पता नहीं था। हमें पता चला कि इसके पास टोनी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही वो इसे मार के भाग गया। मुंबई का एक गुंडा है वो, पैसों के लिए किसी को भी मारने वाला एक प्रोफेशनल किलर। वहाँ से फरार होकर यहाँ आया है, ना जाने कितने बेकसूरों को मार चुका है। उसका तो सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। अब वो और कितने बेकसूर लोगों को मारेगा ये सोचता हूँ तो डर लगता है। अब उसे पकड़ पाना सिर्फ तुम्हारे जरिए ही मुमकिन है। यस, बस हमें ये पता चल जाए कि वो आखिर है कहाँ पर। उसे मार डालिए सर, मैं जानती हूँ वो कहाँ है। उसे मत छोड़ना, मार डालिए उसे। Thank you.
इनके हाथ कैसे लग गया? हाथ ये लग गया है लेकिन हमारी लगेगी, इसने जबान पर लगाम नहीं लगाई तो। अजू भाई, अजू भाई। दुनिया मुझे ढूंढ रही और मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मालूम है क्यों? तू कोई तीस मार खाए इसलिए नहीं, तुझ जैसे चिरकुट ने अज्जू भाई से पंगा लिया है, इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है। पता तू किसके लिए काम कर रहा है? वो हमारे बारे में पूछ रहा है। तो अब क्या वो हमारा भांडा फोड़ देगा? कौन है वो? नहीं जानता। नहीं जानता? ये नहीं जानता सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझ गया ना? चल बोल। आई डोंट नो। ठोक दूंगा, चल बोल। अब तो ये भी ठुकेगा और साथ में हम भी भाई। मर जाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। ओ, बच गए। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उस आदमी का नाम बता दे मुझे। जब तुझे मारने वाली गोली यहाँ तेरे सामने बैठी है तो तू गन चलाने वाले के पीछे क्यों पड़ा है यार? मुझसे दुश्मनी करके जीने वाला तू पहला आदमी है। मेरा शिकार बनकर इतने दिन जीने वाला तू भी पहला ही आदमी है। मुझे दुबई में मारता ना, यहाँ क्यों बुलाया? वीजा प्रॉब्लम भाई, कितना ट्राई किया पर मैं शरीफ आदमी थोड़ी हूँ कि वीजा मिल जाए, लेकिन मारना तो था ही, इसलिए आपको यहाँ ले आया। जिद्दी बहुत है। अच्छा ये बता, मुझे टपकाने के लिए कितने पैसे लिए? 1 करोड़ रुपए। हम पगार मांगते तो 1 रुपया नहीं देते हो और उसे 1 करोड़ दे दिया। मुझे तो 1 करोड़ सुनकर ही हार्ट अटैक आ रहा है। अच्छू भाई को टपकाने के लिए सिर्फ 1 करोड़ दिया? मैं तो फ्री में मार देता पर आने जाने में खर्चा लगता है इसीलिए। अभी इसी वक्त 100 करोड़ दूंगा, बता कौन है वो, बता कौन है वो। 100 करोड़? हाँ 100 करोड़। तो कौन बनेगा अरबोपति चालू है। सॉरी भाई, मैंने वादा किया है, अब तो तोड़ नहीं सकता, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। ओ, पागल है साला, 100 करोड़ रुपए दे रहा हूँ फिर भी मारने की बात कर रहा है। इसकी वफादारी से मेरा दिल भरा है और देखा नहीं जा रहा। मौत तेरी कमजोरी नहीं तो फिर कौन है? माँ बाप गर्लफ्रेंड? लव, प्यार का नाम लेते ही तो हिल गया ना, प्यार में बड़ी ताकत होती है। अब फंस गया। एए! लेकर आओ उसे। कान खोलकर सुन लो, यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। अज्जू सुन ले, तुम सबका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता होगा पर मेरा 42 बार धड़कता है। 42 बार ही धड़कने दो इसे। अगर यहाँ से बाहर जाने की गुस्ताखी किसी ने की तो मेरे दिल का मीटर 70 तक पहुँच जाएगा और फिर तुम सबका मीटर मैं डाउन कर दूंगा। एए! तुम लोग जाओ, कोई नहीं बचेगा, सोच लो। ये अपनी उंगली भी नहीं ला सकता तो मारेगा कैसे रे? खोलता हुआ खून, फड़कती हुई नसें, सुलगता हुआ जिगर, फौलादी बदन, कभी पीछे न हटने वाले कदम, खाक में मिलाने वाला दम और बात पर अटल रहने वाली कसम, यही मेरे हथियार हैं। और जो भी इनके सामने आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुमने दोबारा मेरे प्यार को छूने की बात सोची भी ना तो यहाँ सैलाब आ जाएगा। उस सैलाब को मैं भी देखना चाहूंगा, तेरे प्यार के पास मैं खुद जाऊंगा, उसे यहाँ लाकर तेरे सामने ही मारूंगा। दम है तो रोक ले। मुंबई में सही सुनी थी तेरी तारीफ, एक आदमी में इतने सारे गुण, हर एक आदमी तेरे अलग अलग कलर बता रहा। अब ये कौन सा कलर है बे? तू तो गिरगिट की तरह कलर बदलता है। तूने अभी मेरे सारे रंग देखे ही कहा? अबे तेरी
हमें जिसके पास जाने से रोक रहा था वो खुद ही चलकर यहाँ आ गई। दरअसल तेरा पता हमें इसी ने बताया। उसे छूने वाले को जान से मारने वाला था तू। अगर मैं कहूं कि उसी ने तेरी जान लेने के लिए कहा था तो क्या करेगा तू? अब मैं उसी के हाथों तुझे मरवाऊंगा। अब तो बता दे मुझे मारने की सुपारी तुझे किसने दी? ये सब ये क्यों और किसके लिए कर रहा है इसने अभी तक नहीं बताया। इसे तुम अपने हाथों से मार दो। के लिए अपने प्यार की भी परवाह नहीं की। अब मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देती हूँ। इन कमीनों को मार डालो। तुम्हें चित्रा की मौत का बदला लेना होगा। एक एक को ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारना। वादा करो मुझसे चित्रा के हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। मुझसे वादा करो। मेरे परिवार के हर एक हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। मुझसे वादा करो। खत्म कर दो इन्हें। मित्र गोत्रस्य क्षत्रियस्य इलांटि कृतमैन शत्रुमैन रुम्म विरिचि कुम्म विसरे मुक्कु चूर्ति वक्र परिचय। मुझे मारना है तो मार दे तू, लेकिन पहले ये बता दे कि तुझे सुपारी किसने दी। जिसने अभी तुझे मारने के लिए कहा ना, उसी लड़की ने। मारा वो मामूली आदमी नहीं था। उसकी काली करतूतें पेपर में छपी है। ये देखो, ये आदमी उसी के साथ काम करता था। बेचारे की पूरी फैमिली को मार डाला। इसके मरने के बाद दुनिया को पता चला कि ये एक पुलिस ऑफिसर था। अगर इसका कोई अपना आज जिंदा होता तो वो कितना खुश होता ना। उनके अपनों का तो पता नहीं, मगर तुम तो खुश हो ना। मैं बहुत खुश हूँ।